Today, the whole nation is celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of a nation. We here at Mumbai today were joined by Congress MP Husain Dalwai, who shared his opinions on the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Let's see what he has to say. Gandhi ji ne yahan apne ko jo azadi mili, wo unke netrutva mein mili. Unhone sab samaj ko ikattha liya. Hindu, Musalman, Sikh, Isai, sare jat ke log, sare creed ke log, sare bhasha ke log, mahilaye, purush, sabko ikattha karne ka kaam kiya. Unhone sahi maane mein is desh mein paisa tha nahi, jo vatavaran unhone jo kiya. Aur itna hi nahi balki azadi ka sandesh dehat ki jhopdi tak leke gaye. Har jagah ek vatavaran hua. खाली शहरों में नहीं बल्कि देहात देहात उठे कि आज़ादी की नारे दिए आज़ादी लेके रहेंगे और ये सारा सारी लड़ाई उन्होंने अहिंसा से की. ये बात सबसे महत्व की है. उन्होंने ये कहा था कि अहिंसा के ज़रिए ही सही माने में लोगों को सही स्वाधीनता मिल सकती है, लिंचिंग से नहीं. ये बात उन्होंने जानबूझ के कही थी. सब लोगों को साथ में लो. हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद भी मुसलमानों को यहाँ दिलासा देने का काम उन्होंने किया. और जब वो नौखाली में गए, गांधी जी ने बड़ा अनशन किया था कलकत्ता में फसाद के खिलाफ, तो कलकत्ता के फसाद ख़त्म हो गए. वहाँ एक आदमी आया और अनशन जब चालू था तब बोला, गांधी जी मैं बदला लूँगा, मेरा बच्चा मारा गया है, मुसलमानों ने मेरा बच्चा मारा, मैं बदला लूँगा. तो गांधी जी उठे और बोले, बिल्कुल आपको बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला लेने का आपका तरीका जो है वो गलत है. तो कैसा होना चाहिए, ऐसा मुस्लिम बच्चा देखो जिसके माँ बाप मरे हुए हैं, फसाद में मारे गए हुए हैं और वो अकेला है, ऐसे बच्चे को आपके घर लाइए, आपके फैमिली में उसको रखिए और मुसलमान करके ही उसको बढ़ाइए. और उसने ये किया. ये गांधी जी की कमाल थी. लोगों के मन को, दिल को वो साथ देते थे और बुला एक तरह से लोगों को दिल जागृति करते थे. ये बात हमने ध्यान में रखनी है. खाली बाहर की सफाई तो करनी चाहिए, वो भी की उन्होंने. उसका भी एक उदाहरण लेता हूँ. वो जब कलकत्ता का फसाद ख़त्म हुआ, वहाँ नौखाली में फसाद हो रहा था, तो नौखाली में वो अपने साथियों को लेके जा रहे थे, तो कई जगह ऐसा था कि कई लोग गंदगी, कई वहाँ के नौजवान लोग जानबूझ के गांधी जी को विरोध करने के लिए गंदगी करते थे रास्ते पे. तो उनके साथियों ने कंप्लेन किया कि ये क्या बात है, यहाँ ऐसी गंदगी करते हैं. तो गांधी जी बोले, अच्छी बात है ना, अच्छा मौका हमें दिया है साफ़ सफाई का, अपन साफ़ सफाई करेंगे, आगे जाएंगे. ये हम गांधी जी से लेना चाहिए. गांधी जी उनको बोले, वो बोले कि आप बिहार में जाइए, तो बोले यहाँ का फसाद ख़त्म कीजिए, मैं बिहार में भी जाने वाला हूँ. और वो बिहार में गए, लेकिन नेहरू जी ने उनको फ़ोन करके दिल्ली में बुलाया. और फिर एक शैतान आदमी ने उसके ऊपर नमस्कार करके गोली झाड़ी. और ये बात गुरु जी ने लिखी हुई है कि जिसको मारना है उसको पहले नमस्कार करिए और फिर मारिए. वैसा ही हुआ. इसलिए उसके ऊपर बंदी भी लाए, आरएसएस के ऊपर बंदी भी पटेल साहब ने लाई थी, ध्यान में रखिए. और पटेल साहब ने ये कहा कि गांधी जी के खून में कहाँ ना कहाँ आपने जो प्रचार किया है, आपने जो वातावरण किया है, उसकी वजह से गांधी जी का खून हुआ. हमें बहुत बुरा लगता है कि गांधी जी जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन को एक शैतान ने मारा. ये भी गलती है. आज वही गांधी जी का पुतला खड़ा करके उनको गोलियां चलाने का काम होता है, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं. हमारे प्रधानमंत्री वहाँ यूएन में गए और उन्होंने जिक्र किया कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए. अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा. कल इस देश में से बुद्धों को यहाँ से हकालने का काम जो लोगों ने किया था उनकी तारीफ वो लोग करते हैं. वो बुद्धिस्ट यहाँ से गए, ज्ञान भी गया और शिक्षा भी गई, ये ध्यान में रखना चाहिए. वो चीन में गए, जापान में गए, कंबोडिया में गए और वहाँ ज्ञान गया, ये ध्यान में रखिए. हमारा नुकसान हुआ, लेकिन और भी एक बात है
कि वहाँ यूएन ने गांधी जी का इतना बड़ा सम्मान करने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ गांधी जी का नाम नहीं लिया। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आज 150वीं ये गांधी जी सफाई की बात ये लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गांधी जी का सारा जो विचार था वो खाली सफाई के हद तक नहीं बल्कि सब लोगों को लेके चलने वाला है। आज ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने यह अपील करना चाहिए कि किसका लिंचिंग नहीं होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, किसको ये कहना कश्मीर में भी शांति होनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, ये सारी बातें होना बहुत ज़रूरी है। कितनी बुरी बात है और उसके ऊपर बीजेपी वाले कुछ नहीं करते। हालांकि ऐसे संगठन को के ऊपर बंदी लानी चाहिए, उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, वो ऐसे लोगों को अंदर करना चाहिए। ये करने के बजाय लोग लिंचिंग करते हैं, उसको फोटो आते हैं, लोगों को लोग देखते हैं और उसके बावजूद भी सरकार कुछ करती नहीं, वो छुटते हैं। ऐसी हालत होगी तो कोई भी किसको भी मारेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं। ऐसा है जो बीजेपी को मानता है वो सारे पवित्र, ऐसा जब हो गया ये सारी बहुत दुख की बात है। अपना देश एक रहना चाहिए, अपने देश आगे जाना चाहिए। जो हमारे दुश्मन हैं बहुत, ये रहने दो, अपना पाकिस्तान रहने दो, कोई भी रहने दो, यहाँ कोई पाकिस्तान की तरफदारी करता नहीं। पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों का नुकसान हुआ है, मुसलमान जानते हैं। पाकिस्तान की तरफदारी हम नहीं करते और वहाँ जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लड्डू खिलाने का काम भी हम नहीं करते। कोस गांधी जी, मोदी जी फादर बनने के लिए बहुत देर लगेगा, वो फादर बनने के लिए गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहिए ना। इसलिए सावरकर गोलकर गुरु जी का रास्ता छोड़ना चाहिए, वो गलत रास्ता था बोलना चाहिए ना, ये तो है ना। ये करेंगे तो वो भी फादर बन सकते हैं, उनकी इच्छा क्या है मालूम नहीं। उनका ऐसा उनकी इच्छा ये है क्या कि हिटलर बनना है? उन्होंने तय करना चाहिए गांधी बनना है या हिटलर बनना है। नहीं नहीं, बहुत पतला ये जो है ना प्लास्टिक, वो बंद करना चाहिए। हर बात में प्लास्टिक और गंदगी हम ही करते हैं, हमें ये आदत होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ये इसके ऊपर सफाई के ऊपर दिल्ली में हमारे एमपीज लोगों की एक बैठक हुई थी, वहाँ एक श्रीनिवासन करके हैदराबाद से आए थे जो इसमें काम करते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे देश से बांग्लादेश में ज़्यादा स्वच्छता है। तो मुझे ज़रा आश्चर्य लगा, तो मैंने उनको एक सवाल किया कि आपने ऐसा ऐसा बोला तो ये कैसा, ये क्यों हुआ वहाँ? तो वहाँ उन्होंने ये बताया कि हर जुमा के दिन शुक्रवार को जब नमाज होती है तो उस वक्त जो बयान दिया जाता है उसमें वहाँ के मौलाना स्वच्छता के ऊपर बयान देते हैं, साफ़ सफाई कैसी रखनी चाहिए, इस्लाम में साफ़ सफाई कैसी है। तो हमने भी, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, मस्जिदें हैं, वहाँ ये काम करना चाहिए, साफ सफाई का संदेश देना ज़रूरी है। विथ वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल बांद्रे, अदिति ठाकुर फॉर SW न्यूज़।